कमाल का टेस्ट है यार, जबरदस्त यार, बहुत ही अच्छा काला। अल्लाह पाक रज़ा दे, जबरदस्त हो गया काम, सुपर मुलायम जूसी और टेस्ट से जायके से भरपूर। ये आपने इसमें ऐसी क्या चीज़ डाली है कि इसमें इतना जायका पैदा हो गया? ये बस मोहब्बत डाली है मेरे भाई। सुपर हिट है, बहुत ही मज़ेदार काम है। ऐसा मेमलेट जो है ना, हमने शायद ही पहले खाया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जुगनू फूड में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो लाहौर की बहुत ही मशहूर है, बारबेक्यू में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, नेबलेट। ये चिकन विंग्स होते हैं जो अस्किन के साथ होते हैं, इसको नेबलेट बोलते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं और लाहौर में गाज़ियाबाद के ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत बहुत दूर से लोग ये खाने के लिए आते हैं। चले देखते हैं ये रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। रेसिपी स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ये 4 किलो नेबलेट की रेसिपी हम तैयार करेंगे। लाहौर गाज़ियाबाद के मशहूर नेबलेट हैं ये, उसकी रेसिपी लीक करने लगा हूँ। स्किन नेबलेट आपको किसी भी फ्रोज़न मार्केट से, फ्रोज़न शॉप से मिल जाएंगे। 4 किलो नेबलेट लिए हैं, इसमें हमने तकरीबन 6 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 कप इसमें मैंने दही का ऐड किया है। दही शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। 4 टेबलस्पून हमने इसमें नमक शामिल करना है, लाहौरी नमक, और 4 टेबलस्पून हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। ये 4 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करने के बाद इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबलस्पून इसमें हमने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 टेबलस्पून इसमें हमने काली मिर्च पाउडर शामिल करना। ये 3 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल करना है ज़ीरा पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। ये मुकम्मल तौर पर पाउडर नहीं है, चाइना नमक इसमें इस्तेमाल होगा। अगर आपको चाइना नमक नहीं मिलता तो चिकन पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून चाइना नमक इस्तेमाल किया। अजवाइन डाली है, 1 टेबलस्पून इसमें हमने अजवाइन शामिल की है। ये रेसिपी बहुत मज़े की है, आपने इसको स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। ये इसमें फूड कलर हमने शामिल किया, 1 टीस्पून इसमें हमने ज़रदा रंग शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले इसमें रच बस जाएं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 से 3 घंटे मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। ये देखें आप, आपके सामने मसाला इस पर अच्छी तरह लग चुका है। अब हम इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे फ्रिज में। तीन घंटे मैरिनेशन के बाद इसको हमने सीखों पर इस तरह लगा लिया और कोयला हमने भट्टी के अंदर जला लिया। इस गोश्त का कोयलों से फासला तकरीबन 2 इंच का रखना है। इसको हल्की आंच पर पकाया जाता है। 6 से 7 मिनट इसको एक साइड से पकाएंगे, इसी तरह 6 से 7 मिनट इसको एक साइड से। इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा ये और रेड हो जाएगा तो हम इसको चेंज करेंगे। ये देखें आप, इस तरीके से इसको पकाना है आपने हल्की आंच पर।
इसको 7 से 8 मिनट हमने मज़ीद पकाया, इसको दोनों साइड से पका लिया, तकरीबन ये डन हो चुका है। इसका कलर देखें आप, ज़बरदस्त इसका रंग है, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। अब ये तकरीबन रेडी है, हमने इसको छुरी से हल्का हल्का कट लगाना है और उसके बाद हम दोस्तों को टेस्ट करवाते हैं और उनकी राय जानते हैं कि वो इस बारे में इसके टेस्ट के मुतल्लिक क्या कहते हैं। देखते हैं अब, थोड़ा ठंडा दे, बड़े ही नहीं जा रहे हैं। कमाल का टेस्ट है यार, ज़बरदस्त यार, बहुत ही अच्छा काला। अल्लाह का जुजा दे, ज़बरदस्त हो गया था, सुपर मुलायम जूसी और टेस्ट से जायके से भरपूर। ये आपने इसमें ऐसी क्या चीज़ डाली है कि इसमें इतना जायका पैदा हो गया? ये बस मोहब्बत डाली मेरे भाई, सुपर हिट है, बहुत ही मज़ेदार काम है। ऐसा मैम्बलर जो है ना, हमने शायद ही पहले खाया हो, शायद ही पहले, बहुत ही मज़ेदार।